सुनील दर्शन की मूवी जानवर को भले अक्षय कुमार के कैरियर में संजीवनी का दर्जा मिला हो, लेकिन उससे पहले एक मूवी आई थी 99 में जिसका नाम था संघर्ष। ये अक्षय कुमार के कैरियर को बहुत ही पुश जेंटल देने वाली मूवी थी जिसने उनको बहुत संजीदा एक्टर की लिस्ट में खड़ा किया था। मूवी ब्लॉकबस्टर नहीं थी लेकिन क्रिटिकली अक्लेम्ड हुई थी और महेश भट्ट ने बहुत तगड़ा दाम खेला था अक्षय कुमार पर, बिकॉज अक्षय कुमार उन दोनों फ्लॉप एक्टर के तौर पर गिने जाते थे। हालांकि पर्दे के पीछे की बात यह कि इस मूवी के लिए अक्षय कुमार को पहले नहीं अप्रोच किया गया था, बल्कि दो बड़े एक्टर ऑलरेडी लिस्ट में थे जिनको संघर्ष के लिए कास्ट किया जाना था और दोनों ही एक्टर महेश भट्ट के फेवरेट सुपरस्टार थे। एक का नाम आता है शाहरुख खान, दूसरे का नाम आता है अजय देवगन। ये दोनों ही महेश भट्ट के साथ अच्छी अच्छी फिल्मों में काम कर चुके थे। बात करें अजय देवगन की तो ऑलरेडी महेश भट्ट के साथ नेशनल अवार्ड विनर मूवी जखम में काम कर चुके थे और इससे पहले उनकी मूवी आई थी नाजायज। दोनों ब्लॉकबस्टर थी, एक क्रिटिकली एक्लेम्ड थी, दूसरी मास मसाला थी और वो चाहते थे महेश भट्ट के साथ फिर से काम करें संघर्ष में, लेकिन बात पेमेंट को लेकर बनी नहीं और मामला अटक गया। नंबर दो पर आते हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान ने भी महेश भट्ट के साथ चाहत में और डुप्लीकेट में काम किया है। नंबर तीन पर वो संघर्ष में काम करते, लेकिन उनको लगा इस मूवी में जो रोल है वो एक्ट्रेस का भारी है, यानी रीत का जो प्रीति इंटा ने प्ले किया था, और विलेन का भी रोल बहुत ज्यादा हैवी है। ऐसे में शाहरुख खान को लगा उनके रोल में दमदार नजर नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने मूवी छोड़ दी। बाद में अक्षय कुमार के पास नथिंग टू लूज वाला मामला था, यानी उनके पास कोई बड़ी फिल्में थी नहीं, उनको लगा ये मूवी करके शायद थोड़ा सा एक्टिंग अप्रिसिएशन मिलेगा। ये बात सच में साबित हुई, जब मूवी रिलीज हुई तब बहुत ज्यादा क्रिटिकली एक्लेम्ड हुई। लज्जा शंकर पांडे के रोल को आशुतोष राणा ने बहुत अच्छी तरीके से किया, उनको बहुत सारे अवार्ड मिले और अक्षय कुमार ने उसके बाद जानवर की बैक टू बैक दो सीरियस रोल करने के बाद उनकी इमेज बहुत ही अच्छे एक्टर की बन गई। हालांकि यह भी कहा जाता है कि प्रीति इंटा वाले रोल के लिए पहले करिश्मा कपूर को अप्रोच किया गया था बट उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये थी संघर्ष की दास्तां जो अजय देवगन और शाहरुख खान की हो सकती थी, लेकिन इस मूवी ने अक्षय कुमार के संघर्ष को कम किया और कहते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री। सो फ्रेंड, ऐसी एक्साइटिंग ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ऑफ मूवी फॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर अवर वीडियोज़।